तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ब्लॉग पे। मेरा नाम है गुरु और आप देख रहे हो गुरु ब्लॉग। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ SBI बैंक में, क्योंकि मेरा एक पुराना अकाउंट था जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है SBI में। देखते हैं आज क्या कहते हैं बैंक वाले। तो वहाँ जाके मैं अपना वही अकाउंट दोबारा चालू करना चाहता हूँ। तो आज मैं SBI बैंक में जा रहा हूँ। ये देखिए हमारी गाय, ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कितनी प्यारी है हमारी गाय, ये देख सकते हो। ये आ गया जशन और ये कौन है, ये आ गया दमन। ओए ओए ओए, उठ जाएगी पीछे पीछे। और ये रिशु, ये बहुत शैतान बच्चे हैं, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि ये मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखो खेल रहे हैं। और वो आ गया स्वनन, स्वनन से हाय। हेलो, कुछ कहना चाहोगे आप? बस अभी उठाया बेटे अभी उठाया, लेट उठता है बेटा। ये देखो ये बच्चे बहुत शैतान हैं। तो चलिए गाइस, मैं चलता हूँ बैंक में, जा रहा हूँ अभी और देखते हैं क्या बनता है वहाँ। तो आगे की वीडियो वहीं पे। गाइस कैसी लग रही है मेरी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी अभी जैसे मैंने बताया था कि अभी हम SBI बैंक पे जा रहे हैं, तो लेकिन थोड़ी चाय पी लेता हूँ उसके बाद चलता हूँ। देखते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं SBI बैंक, देख सकते हो आप लोग, देखते हैं अंदर चल के क्या होता है क्या। तो गाइस अभी तो बैंक वालों ने मना ही कर दिया कि ये खाता ओपन नहीं होगा, क्योंकि कुछ चार्जेस लगेंगे, वो भी 3,035 रुपये करीब बता रहे हैं। तो SBI वालों ने ही बोला है अभी। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, दूसरे बैंक में जा रहे हैं अभी, वहाँ पर अकाउंट खुलवा। हमारे रोड पे रश बहुत है, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। लॉकडाउन वगैरह की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। लॉकडाउन है लेकिन पूरा रोड चल रहा है, इधर से इधर से। ये बैंक है यहाँ पे दूसरा, उसमें पूछते हैं, देखते हैं बैंक में दूसरे वाले पे ना। तो टूटी हुई सड़कें, तो बैंक पहुँच के बात करते हैं। तो भाई जब हम पहुँचे हैं ग्रामीण बैंक में, और यहाँ पे हम खाता खुलवा रहे हैं अभी ग्रामीण बैंक में, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो ग्रामीण बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं। उनका जो बिहेवियर है स्टाफ का बहुत अच्छा है और अच्छा बैंक है। तो चलिए मैं फॉर्म भर देता हूँ अभी, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी अकाउंट ओपन करवा रहे हैं ग्रामीण बैंक की ब्रांच में, जल्दी अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बैंक में, फॉर्म वगैरह भर दिया, देखते हैं और उसके बाद आगे थोड़ा काम में बजाते हैं, वहाँ देखते हैं मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद। अभी हम बाहर आ चुके हैं बैंक से, और बैंक वाले कह रहे हैं 4-5 दिन लगेंगे अकाउंट ओपनिंग में, लेकिन अभी इन्होंने जो है ATM कार्ड जरूर दे दिया है, अभी प्रोसेसिंग में है। तो बहुत अच्छा लगा इनका बिहेवियर हरियाणा ग्रामीण बैंक का, अकाउंट ओपन करने में 4 दिन लगे। हम ले रहा हूँ अभी।
रुपए के कितने हैं? डेढ़ किलो। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया से डालना। तो गाइस अभी आम ले चुका हूँ, ये देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया आम है। और आ गया भैया, पैसे खुले नहीं थे इनके पास, मिल गए खुले। कितने दे रहा है? 400। 200 तो पहले दे दिए थे ना आपने, 200 ही है। ठीक है, हाँ। बैंक का भी काम हो चुका है और हमने आम भी ले लिए हैं, कुछ और सामान लेना था वो भी ले चुके हैं। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, रश बहुत है और कोरोना की आड़ में और जो ये लॉकडाउन लग रहा है इसका कोई यहाँ पे लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है हमारे एरिए में। धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं लॉकडाउन की, पूरा ट्रैफिक चल रहा है जैसे आम चलता है और बहुत ज़्यादा रश है। तो चलते हैं घर पे, घर से बात करते हैं फिर। टाटा बाय बाय। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि SBI वालों ने जो है अकाउंट के काफ़ी चार्जेस लगा रखे थे। हुआ क्या था कि हमने इस घर में अभी 1-1.5 साल से शिफ्ट किया है और पहले हम दूसरे घर में रहते थे, तो उस वजह से यहाँ के एरिए का जो हमारा अकाउंट था वो एक्टिवेट नहीं था, उसको हम उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से आज हमने पूछा था लेकिन वहाँ पे बात नहीं बनी है और SBI वालों ने बोला कि 3500 रुपये इसमें जमा करने पड़ेंगे तब ये खाता चलेगा, एक्टिवेट होगा। तो हमने सोचा कि चलो 3500 क्यों जमा करवाने भाई, दूसरे अकाउंट में, दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं। तो हम उसके बाद गए ग्रामीण बैंक में, तो वहाँ पर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा स्टाफ है और उन्होंने अच्छे तरीके से हमें बताया और अकाउंट वहाँ पे ओपन करवा चुके हैं हम। अभी 4-5 दिन बोल रहे हैं वो लगेंगे, लेकिन उन्होंने ATM वगैरह दे दिया है क्योंकि वो प्रोसेसिंग में रहता है, तो उस वजह से वो अभी 3-4 दिन ले लेंगे अकाउंट को ओपन करने में। जी हाँ दोस्तों, तो अभी घर पहुँचे हैं, घर पर ये बैठा है मेरे साथ स्वनन। क्या खा रहा है अभी ये, क्या है? तो गाइज आज की वीडियो और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं एक नए ब्लॉग से में और बाय बोल दो भाई, बाय बाय। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो नई नई वीडियो देखने के लिए, हर तरह की वीडियो मिलेगी, एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, व्लॉग भी मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे मेरे चैनल पर, सब कुछ मिलेगा। तो गाइज प्लीज़ बने रहे और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।